हेलो दोस्तों, अमेजॉन फॉरेस्ट मिस्ट्री के पार्ट वन में अभी तक हमने अमेजॉन के बारे में ढेरों मिस्टीरियस और फैक्ट्स तो जान चुके हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उससे थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पृथ्वी पर इतना बड़ा जंगल कैसे फॉर्म हुआ। आखिर कैसे धरती, जो शुरुआत में सिर्फ एक वीरान और सुनसान रेगिस्तान, हर तरफ चट्टान और समंदर और खाली जगहें थी, आखिर वहाँ इतना विशाल और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कैसे फॉर्म हो गया। वो क्या ऐसी वजह थी जो अमेजॉन को सुरक्षित करने में उसकी मदद करते आ रही हैं, जो आज तक ये जंगल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज से हजारों लाखों साल पहले के जंगल हुआ करते थे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेजॉन जंगल और इसके रहस्यमय इवेंट्स को तो आप जान चुके हैं, लेकिन अब आप जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा और मिस्टीरियस जंगल कैसे फॉर्म हो गया। अब इसे जानने के लिए चलना होगा हमारे अतीत यानी पास्ट में, जहां से हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर पृथ्वी पर इतना बड़ा जंगल आया कहां से। दोस्तों, आज से लाखों सालों पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, तब पृथ्वी पर ऐसे कई जंगल थे जो अमेजॉन की तरह ही थे, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले धरती पर हुई एक तबाही ने धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसी तबाही के कारण धरती पर इंसानों के लिए सबसे बड़े जंगल के रूप में अमेजॉन आज भी हम सभी इंसानों को लगभग 20% ऑक्सीजन देता है। अभी तक धरती पर हमसे पहले कई जीव हमारी ही तरह रहा करते थे। आपको बता दें कि हमारी धरती पर इंसानों के पहले कई अलग अलग प्रजाति के जीव रहते थे, और उस वक्त धरती पर उनका ही राज चलता था। 5 मर्तबा धरती पर ऐसे जीवों का सर्वनाश हो गया है जो इंसानों के पहले धरती पर वो राज करते थे। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस मास एक्सटिंक्शन है वो है क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। हाँ, वही एक्सटिंक्शन जिसने धरती पर गिरे एक एस्टेरॉयड से पूरे धरती को तबाह करने के साथ साथ आखिरी मास एक्सटिंक्शन के राजा यानी डायनासोरों का खात्मा कर दिया था। रिसर्च करने के दौरान कई आर्टिकल और ब्लॉग में मुझे ये पता चला कि आज से लगभग 67 मिलियन साल पहले उस जगह पर ऐसे कई पेड़ पौधे हुआ करते थे जहां आज के वक्त अमेजॉन का जंगल मौजूद है। लेकिन हम सबके लिए इस बात पर पूरी तरह विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो आज से 67 मिलियन साल पहले हम थे और ना ही ऐसा कोई सोर्स जिसमें लिखा हो कि उस समय वहाँ क्या था। लेकिन हम वैज्ञानिक के द्वारा किए गए ढेरों रिसर्च को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 67 मिलियन साल के पहले एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। इसका मतलब यह है कि धरती से एस्टेरॉयड टकराने के बाद धरती से सारे जीव और जंगल समेत सभी नष्ट हो गए होंगे। उस वक्त धरती अपने प्राचीन रूप में आ चुकी थी, यानी धरती पर इतना बड़ा तबाही का आना एक नए शुरुआत की तरह था, मानो पृथ्वी पर पहले कुछ था ही नहीं। डायनासोरों के मास एक्सटिंक्शन के बाद धरती को मानो रिसेट कर दिया गया हो। जाहिर सी बात है कि एस्टेरॉयड गिरने के बाद जब सब कुछ धरती पर नष्ट हो गया था, तो इसका मतलब है कि अमेजॉन का जंगल डायनासोरों के बाद ही आया होगा, क्योंकि डायनासोरों के वक्त वहाँ क्या था वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि आज के वक्त जिस जगह पर अमेजॉन का जंगल है, उस जगह का निर्माण एस्टेरॉयड के गिरने के बाद ही तय हुआ होगा। खैर, एस्टेरॉयड के टकराने के बाद कई किलोमीटर दूर तक एक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस एस्टेरॉयड के बाद समंदर में कई किलोमीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने लगी, जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। इसके कारण निकली धूल कुछ ही देर में पूरे आसमान में फैल गए, जिसकी वजह से पृथ्वी का एनवायरनमेंट धूल और गैस से ढका रहा, और इसी वजह से सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से बचे हुए पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगे। सूरज की किरणें जब धरती तक नहीं पहुंची, तो धरती का टेम्परेचर कई हद तक गिर गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे आसमान साफ होने लगा, जिससे धूल भी धीरे धीरे साफ होने लगा और सूर्य की किरणें भी धरती पर पड़ने लगी। धीरे धीरे जब पृथ्वी पर टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की स्थिति थोड़ा सही हुआ, तो पृथ्वी के नीचे कहीं छुपे हुए मैमल्स और छोटे छोटे प्रजातियों के जानवर, जो उस समय डायनासोर की वजह से आज़ाद बाहर नहीं निकल रहे थे, वो भी अब आज़ादी से बाहर आने लगे। और फिर शुरू होता है हमारे एवोल्यूशन का समय, जो कई लाखों सालों के बाद
मैमल्स जैसे चूहों से बंदर और बंदर से इंसान के रूप में सामने आया। अगर आपको इंसान के एवोल्यूशन और इंसानों के धरती पर आने तक का सफ़र देखना है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हालांकि ये एस्टेरॉयड हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, अगर ये एस्टेरॉयड ना गिरता तो शायद हम कभी धरती पर अस्तित्व में आ ही नहीं पाते, क्योंकि डायनासोर के मरने के बाद ऐसे जीव धरती से बाहर निकले जो डायनासोरों के डर की वजह से कभी बाहर नहीं निकला करते थे, लेकिन अब वो फ्री और आज़ाद हो गए थे और जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर उसके खुले वातावरण में अपने आप को कई सालों तक रखा तो वहीं मैमल्स और जानवर इंसान और अलग अलग प्रजाति में बढ़ते चले गए। अमेजन का जंगल भी छोटे छोटे पेड़ पौधों से समय के साथ साथ बदलता चला गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या सुपर नेचुरल पावर अमेजन जंगल के बिहाइंड है जो इसे इतना ज़्यादा घना और बड़ा बना दिया, तो चलिए जानते हैं। दरअसल अमेजन जंगल तभी से सुरक्षित हो गया था जब से डायनासोर जैसे बड़े जानवर धरती से गायब हुए, क्योंकि डायनासोर जैसे जानवर उन सभी लंबे लंबे पेड़ों को नष्ट कर देते थे जिससे इतना बड़ा जंगल बनना बहुत मुश्किल हो जाता था। अमेजन जंगल का विस्तार प्राकृतिक तरीके से हुआ है। इसे इतना घना बनाने में कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा मददगार हैं अमेजन जंगल के लिए, जैसे अमेजन में बहुत ज्यादा पानी बरसना जो पेड़ पौधों के लिए सहायक है। दूसरा, गर्मी। यहाँ की गर्मी और उमस पेड़ों के लिए अनुकूल है जिससे वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तीसरा है यहाँ की जीव विविधता। यहाँ जीव बहुत अधिक हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर जंगल को मजबूत बनाते हैं। चौथा है अमेजन के इतने बड़े एरिया में फैलने का ग्रोथ जो कई करोड़ों सालों से ऐसे ही इवॉल्व हो रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या करते हो और अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।